Good morning, my dear student. Today we will study English grammar for class 8th and 9th. And topic is active and passive. We continue this topic. In our previous video, we have studied about the present tense active and present tense and past tense. And today we will learn about the future tense. फ्यूचर टेंस, आज हम फ्यूचर टेंस के एक्टिव को पैसिव बनाना सीखेंगे. तो फ्यूचर में सबसे पहले हम लेंगे फ्यूचर सिंपल, ठीक है, एंड फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर सिंपल को इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस जो हम लोग सीख रहे हैं, यानी कि फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल का जो एक्टिव फॉर्मेशन होता है वो विल, शैल प्लस वर्ब थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. और जो फ्यूचर का जो पैसिव फॉर्म होगा ये एक्टिव है, ठीक है, और इसका जो पैसिव होगा फ्यूचर का, प्लीज़ आप लोग ये मेरे साथ नोट डाउन करते जाएंगे, इसका जो एक्टिव होगा विल, शैल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेन वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म में चेंज होनी ही होनी है, और शैल और विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आना है, तो बी का जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म वो यहाँ पर आ गया है. अंडरस्टूड? तो हम एग्जांपल ले लें. अब एग्जांपल हम ले रहे हैं सरिता विल राइट अ लेटर. एग्जाम्पल क्या है? सरिता will write a letter as per first condition. Object of active sentence is made subject in passive voice. ये active है, हम लोगों को बनाना है passive. तो passive में सबसे पहले हम लोगों को object को subject बनाना होता है, तो a letter. टेंस को आइडेंटिफाई करना है, विल और फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो मतलब फ्यूचर इंडिफिनाइट है, और फ्यूचर इंडिफिनाइट का जो पैसिव होता है उसमें शैल, विल, बी लग करके थर्ड फॉर्म होगा. तो अ लेटर विल, ओके, बी राइट जो फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, विल बी रिटर्न बाय. अब यहाँ पर शी नहीं है तो हम हर करेंगे. नाउन है, नाउन एज इट इज आता है बाय सरिता. अगर नेम है किसी का तो वो नेम ऐसे के ऐसे आएगा. कोई डाउट बेटा? हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, देन हमने टेंस को पहचाना, देन पैसिव देखा हमने टेंस का, विल शैल बी थर्ड फॉर्म आना है, तो हमने विल लगाया लेटर के साथ में बी और थर्ड फॉर्म. अब हम आगे देखते हैं अनदर एग्जाम्पल. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल नॉट ड्राइव. आई शैल नॉट ड्राइव अ कार. मैं कार ड्राइव नहीं करूंगा, ठीक है. आई शैल नॉट ड्राइव द कार. I shall not drive the car. Okay. तो यहाँ पर हम लोगों को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. आइडेंटिफाई वॉट इज द ऑब्जेक्ट, कि मैं क्या ड्राइव नहीं करूँगा, कार. तो द कार, ओके, द कार के साथ में शैल आएगा या विल आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल आता है. अदरवाइज वी यूज विल. तो यहाँ पर द कार के साथ में शैल नहीं आएगा, विल आएगा. नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें नॉट लगाना ही है. विल नॉट बी ड्राइव का ड्राइवन. विल नॉट बी ड्राइवन बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी. अंडरस्टूड? ओके. तो फ्यूचर इंडिफिनाइट का जो एक्टिव फॉर्म है वो विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें विल शैल बी वर्ब थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं.
टू मेक पैसिव वॉइस सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लेना है सरिता विल राइट अ लेटर तो अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट टू मेक पैसिव इट विल बी अ ये किसमें बन जाएगा सब्जेक्ट अ सेंटेंस विल बी रिटन रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट राइट की थर्ड फॉर्म है बाय सरिता नाउ आई शेल नॉट ड्राइव द कार आई शेल नॉट ड्राइव द कार द कार इज द ऑब्जेक्ट इट विल बी सब्जेक्ट इन द पैसिव ये पैसिव होगा सॉरी सब्जेक्ट होगा पैसिव में द कार क्या बन गया है सब्जेक्ट बन गया है पैसिव में और हमें शेल यूज नहीं लेना है बिकॉज शेल का जो यूज है वो आई और वी के साथ में आता है और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल आएगा विल नॉट बी ड्राइवन बाय मी ओके अब हम जो देखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट के बाद में आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है फ्यूचर परफेक्ट का ही बनेगा हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट क्या क्या फ्यूचर परफेक्ट की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है विल हैव और शैल हैव तो आई और वी के साथ में हम शैल हैव यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म ओके इसका जो पैसिव फॉर्मेशन होगा वो होगा विल हैव शैल हैव बीन जैसा कि लास्ट दो परफेक्ट टेंसेस हमने पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट भी और पास्ट परफेक्ट भी उनमें भी तो बीन लगा है तो वैसे ही यहाँ पर भी बीन और वर्ब्स थर्ड फॉर्म ओके लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ दिस टेंस चलो एग्जांपल भी देख लेते हैं क्या एग्जांपल है स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को पॉज करके जो एग्जाम्पल है जो फॉर्मेशन में लिखवा रही हूँ ना वो नोटबुक में होना चाहिए और मैं उसको चेक भी करूँगी एग्जाम्पल लेते हैं हम you will have done your work ये हमारा एग्जाम्पल है will have done थर्ड फॉर्म है will have done ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट की थर्ड फॉर्म है अब हम लोगों को तो हैव और डन के बीच में क्या लगाना है बीन ही लगाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है तो योर वर्क क्या है हमारा ऑब्जेक्ट और क्या बन जाएगा ये पैसिव योर वर्क विल हैव बीन डन ओके बाय यू यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है यू डन नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन विल यू हैव डन योर वर्क नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे व्हेन विल व्हेन विल You have, when will you have done your work? Question mark. तो when का passive when ही होगा अब हमें will लेना है या shall लेना है ये इस object के according लिया जाएगा अगर यहाँ पर I और we है तभी तो हम shall लेंगे लेकिन your work है तो when will Your work have इनके बीच में क्या आना है been done by you तो ये क्वेश्चन मार्क डन तो समझ में आया हम लोगों को टेंस को पहचानना है उसके बाद उसकी पैसिव फॉर्म को भी माइंड में रखनी है तभी हम लोग हमारे एक्टिव पैसिव प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल विच यू हैव टू चेंज इन टू पैसिव और फ्यूचर टेंस ओके तो मैं आपको फ्यूचर टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ तो वो आपको चेंज करने
कल भी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे बट उसका रिप्लाई मेरे पास में नहीं आया है, आज आना चाहिए। ओके, तो एग्जांपल कौन कौन से हैं नोट डाउन कर लीजिए आप पहले। तो आई शैल, ये आपको सॉल्व करने हैं। आई शैल, आई शैल नॉट रिमेंबर द इंसिडेंट, मुझे वो इंसिडेंट याद नहीं है, नहीं, आई शैल नॉट रिमेंबर द इंसिडेंट, मैं ये इंसिडेंट याद नहीं रखूंगी। ठीक है, फ्यूचर का है। सरिता विल नॉट, सरिता विल नॉट हैव डन इट, शी विल मेक, शी विल मेक अ केक, नंबर फोर। इंडिया विल एक्सपोर्ट कंप्यूटर्स, इंडिया विल एक्सपोर्ट कंप्यूटर्स, इंडिया विल एक्सपोर्ट कंप्यूटर्स। विल दे रिसाइट द मंत्रा, विल दे रिसाइट, रिसाइट मतलब उच्चारण करना, क्या वो मंत्रों को उच्चारण करेंगे। ओके, दिस इज योर होमवर्क विच हैव टू डू इन योर नोटबुक, आपको नोटबुक में करना है और प्लीज मुझे इसकी व्हाट्सएप पे भी मैसेज सेंड करना है। अगर आपको कोई एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8559877989। ओके, टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।